यदि आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली के शेखसराय स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को बदमाशों ने हैक कर ग्राहकों के लाखों रुपए निकाल लिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस एटीएम से पैसे निकालने जो भी पहुंचा उसके अकाउंट में जमा रुपया साफ हो गया। लोगों के मुताबिक एटीएम से रुपए निकालने के लिए अपना एटीएम मशीन कार्ड में जैसे ही इंसर्ट किया तो पूरा प्रोसेस करने के बाद भी उनके अकाउंट से रुपए नहीं निकलते और फिर उसके कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर का मैसेज आना शुरू हो जाता है। मेरे पास मेरे कुछ उसमें कर्नाटका में मेरा वो था अमाउंट पड़ा था और मैंने एटीएम शेखसराय फेज वन से मैंने विड्रॉल करे थे पैसे और मेरे पास अभी 4 बजे के करीब 5 से 4 मैसेज आए हैं जिसमें मेरे 40,000 रुपीस विड्रॉल हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे नहीं मेरे साथ कई बंदों के बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पे जिनके किसी के 50,000 किसी के 70,000 किसी के 1,00,000 रुपए तक विड्रॉल हो गए हैं और मैसेज कंटिन्यू एक ही लाइन में आ रहे हैं 10,000 करके। इस एटीएम पर रुपए निकालने आए अब तक 40 से 50 लोग इस जालसाजी का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पैसा निकला जा रहा है इनके अदर किसी मोबाइल में एटीएम से निकल रहा है पैसा इनका, इसके लिए हमारे खातेदार हमारे यहाँ के हैं तो इसकी जांच के लिए जो भी अब कंप्लेन दे रहे हैं मैं अपने तुरंत साइबर क्राइम सेल को मैं दे रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए, क्या इसका निदान होता है वो बताया जाए। अब देखना यही है कि लोगों की खून पसीने की कमाई को साफ कर चुके इन हैकर्स तक दिल्ली पुलिस कब तक पहुँच पाती है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।